मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात की, अब मायने ढूंढे जा रहे हैं। शनिवार को अपर्णा यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और संगठन मंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद लखनऊ में कई तरह की सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अपर्णा यादव ने पहले बीएल संतोष और फिर सुनील बंसल से मुलाकात की और दोनों से करीब आधे घंटे की मुलाकात अलग अलग हुई। माना जा रहा है कि अपर्णा यादव ने 2024 में चुनाव लड़ने को लेकर ये मुलाकात की है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में एक बार फिर वह हाई कमान से मिलने दिल्ली जाएंगी। भाजपा उन्हें यादव परिवार की सीटों पर लड़ाना चाहती है, लेकिन अपर्णा यादव पहले ही पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपनी कुछ भावनाओं से अवगत करा चुकी है, जिसमें यादव परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात की है। यहां तक कि बड़े नेताओं खासकर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार से भी वह परहेज करती हैं, और ये बात पहले से ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को उन्होंने बता दी है। मैनपुरी में जब डिंपल यादव चुनाव लड़ रही थी, तब भी अपर्णा यादव ने वहां चुनाव प्रचार डिंपल यादव के खिलाफ नहीं किया था। दरअसल अपर्णा यादव 2024 का चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए कोई मुफीद सीट दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में अपर्णा के लिए भाजपा की झोली में क्या है, ये साफ नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि संगठन के बड़े नेताओं से दूसरे दौर के मुलाकात के बाद बीजेपी के भीतर अपर्णा यादव की स्थिति को लेकर कुछ तस्वीर साफ होगी, क्योंकि उन्हें आए हुए 2 साल हो चुके हैं। अभी तक पार्टी ने ना तो संगठन में उन्हें कोई पद दिया है, ना ही मेयर का चुनाव लड़वाया, ना ही 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिला और ना ही विधान परिषद या राज्यसभा दी गई। ऐसे में अपर्णा यादव के लिए बीजेपी के पिटारे में क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।